हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। देखो, जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो छात्रों के हित में कुछ फैसले जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिले हैं। और कल रात मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी। उसके बाद एक बड़ी अपडेट अभी आई है और ये अपडेट है एसएससी जीडी को लेकर। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी में 26,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम भी हो गया था। और एग्ज़ाम होने के बाद अब जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, इलेक्शन के बाद जो वैकेंसी हैं वो 26,000 से बढ़ाकर सीधा 46,000 कर दी गई है। तो सीधा सीधा आप लोग देख सकते हैं लगभग 20,000 पदों का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब ये एसएससी में हो सकता है तो रेलवे में क्यों नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और किस तरह से रेलवे की वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि अगर छोटा सा एक आंदोलन होता है तो उससे वैकेंसीज इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो एडुका जोन की तरफ से आती है। देखिए, इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को कवर किया गया है। एडुका जोन की तरफ से इस बुक में आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू, साथ में 5 सॉल्व पेपर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर देखने को मिल जाते हैं। ये बुक आपको कंप्लीटली इंग्लिश में अवेलेबल रहती है। क्वालिटी और क्वांटिटी का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आप चाहे तो इस बुक के साथ एडुका जोन की स्टडी गाइड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको मिलते हैं, साथ ही करंट अफेयर और 3 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक आप परचेज कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी एडुका जोन की इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, एसएससी जीडी में वैकेंसी आई थी और वैकेंसी आई थी लगभग 26,000 पदों पर, यानी कि 26,000 के आसपास पद आए थे। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी हो चुका है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद और जैसे ही अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद इसकी वैकेंसीज को बढ़ाकर 46,617 कर दिया है। ठीक है, तो 46,000 प्लस अगर आप इसको मानते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर 20K यानी कि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया गया है। और ये एग्ज़ाम होने के बाद इंक्रीज़ हुई है। और एसएससी जीडी में ऐसा पहले भी देखा गया है कि वैकेंसीज़ को एग्ज़ाम होने के बाद जो है इंक्रीज़ कर दिया जाता है, उससे पहले भी इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद एकदम से 20,000 वैकेंसी इंक्रीज़ करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये चीज़ें एसएससी में हो सकती है, एसएससी जीडी में वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है, तो रेलवे में भी हो सकती है। लेकिन ये वैकेंसी खुद से इंक्रीज़ नहीं होगी, इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखो, अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, 17-18 जून को पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन। यानी कि अग्निवीर योजना, आपको पता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ है इन इलेक्शन में अग्निवीर योजना। अब इसमें भी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, हो सकता है कि फ्यूचर में अग्निवीर योजना में भी बदलाव हो जाए। अभी ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये एसएससी जीडी और ये अग्निवीर योजना मैंने आपको क्यों दिखाया है, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि जब अग्निवीर योजना में बदलाव हो सकते हैं, जब एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ सकती है, तो रेलवे की वैकेंसी बढ़ना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको पता है ईएलपी में बिल्कुल चिल्लड़ के भाव में वैकेंसीज मिली, टेक्नीशियन में आप देखोगे इतनी कम वैकेंसी है। अभी आपके सामने ग्रुप डी एनटीपीसी दो बड़े रिक्रूटमेंट हैं, अगर उसमें भी इतनी कम वैकेंसी आती है तो रेलवे एस्पायरेंट बर्बादी की कगार पे है। लेकिन अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठाकर आप इन वैकेंसीज़ को बढ़ा सकते हैं। और मैं फिर से यही बात कहूँगा, सबसे पहले एक ट्विटर कैंपेन के अलावा कुछ यूनियंस हैं उनके लीडर्स के माध्यम से अपनी बात सरकार और विपक्ष तक पहुँचाना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी यूट्यूबर इस फेवर में, यानी कि इस तरह का वीडियो नहीं बना रहा है जिसमें ट्विटर कैंपेन की बात करे। कोई एक दो यूट्यूबर हैं जिसने इसके बारे में बात की है। अभी अगर आने वाले 8 से 10 दिन में अगर ऐसे वीडियोस बनते हैं बाकी यूट्यूबर्स की तरफ से और एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन हो जाता है, तो डेफिनेटली आपकी रेलवे की वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो सकती है, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी 20,000 इंक्रीज़ हुई है। सवाल ये भी उठता है, क्या एएलपी की इंक्रीज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब एसएससी जीडी में पेपर होने के बाद वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है, तो एएलपी का तो अभी तक पेपर भी नहीं हुआ है। तो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी की वैकेंसी को अगर इंक्रीज़ कराना चाहते हो, तो अगले एक हफ्ते में पूरी कोशिश करो कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। किसी भी तरह से उन्हें इस बात के लिए जो है आप लोग बताओ कि इस तरह की वीडियो बनाएं, और उसके बाद एक अच्छा सा ट्विटर कैंपेन रख के बढ़िया सा हैशटैग चला के अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था कि रेलवे एस्पायरेंट भी निराश ना हो, चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं और थोड़े से एफर्ट से और भी चीज़ें बदल सकती हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।